ओके okay, चलिए फिर सभी दर्शकों गुड आफ्टरनून ना हजता वीडियो में रहेंगे अगले डेढ़ घंटे आपके साथ मार्केट्स के लिए आज फिर से एक शानदार दिन और ख़ास तौर से उनके लिए जो इस पोजीशन को लगातार और बिना डरे कैरी कर रहे थे पोजिशन ट्रेडर्स के लिए एक फिर से एक शानदार दिन मार्केट में और डे ट्रेडर्स को भले निफ्टी में कुछ ना मिला एक्चुअली डे ट्रेडर्स तो आज शायद लॉस में ही रहे हो हाँ एक चीज़ है बैंक निफ्टी ने आज डे ट्रेडर्स को भी पैसा बना कर दिया बैंक निफ्टी ने आज फ्रेश एंट्री का मौका भी दिया इनफैक्ट और देखिए आज बैंक निफ्टी में बहुत शानदार चार्ट है ये बहुत प्यारा चार्ट है इंटरडे में और आ, आ, जिन्होंने लॉन्ग पर भरोसा किया उनको तो रिवॉर्ड कर ही रहा है मार्केट लेकिन अगर बैंक निफ्टी में आपको आज फ्रेश एंट्री मिले आपने वो ली तो वहाँ से भी मार्केट ने आपको अच्छा रिवर्स लिया इनफैक्ट तीन सौ पॉइंट की रैली हुई है बैंक निफ्टी में सुबह के लो से निफ्टी वहीं है यहाँ खुला था लेकिन बैंक निफ्टी सुबह के लो से करीब करीब तीन सौ पॉइंट रिकवर कर चुका है तो ये मार्केट की लीडरशिप पॉकेट के लिए एक शानदार न्यूज़ हैेरी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून अनुज जिस तरह की तेजी बनी है अब छब्बीस हज़ार पर तो हम पहुँच ही गए हैं लेकिन क्या ये एक वन वे नॉन स्टॉप टिकेट है सत्ताईस हज़ार की तरफ So, क्या क्या उसी आ, मकसद के साथ काम करना चाहिए अब देखिए वन स्टेप एट ए टाइम 25,900 से 26,000 का एक थोड़ा सा कंजेशन है माइनर कंजेशन है आज सुबह का हाई भी वहीं था 25,925 से करीब फोर्स के साथ अगर आपने 26,000 निकाल दिया हुँ. तो हाँ तो फिर मैं कहूँगा कि फिर थोड़ी सी मार्केट में और तेज़ी हो सकती है और अब आपको अपना स्टॉप लॉस बेसिकली बढ़ाकर पच्चीस सात पर ले आना है और आ, मार्केट में लॉन्ग रहें और पच्चीस सात सौ पचास तक की जो भी गिरावट आए उसमें बेसिकली आप पोजिशन जोड़ें तो ये इस समय निफ्टी की अप्रोच रहेगी और जहाँ तक बात बैंक निफ्टी की है बैंक निफ्टी में आ, मेरा ये मानना है कि अब 55,000 तक की एक तेज़ी की शुरुआत हुई है यहाँ पर और एक्सपायरी से पहले चौवन से 55,000 तक के मोस्ट पॉसिबल हैं निफ्टी बैंक में एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि आज डे ट्रेडर्स को भी निफ्टी बैंक ने फ़ायदा पहुँचाया है तो लॉन्ग रहें

देखिए साढ़े तीन सौ पॉइंट ऊपर होने के बाद आज अगर निफ्टी डेढ़ सौ पॉइंट नीचे भी होता ना मेरा भी तब भी तेज़ी का रहता हो क्या गया है कि अब पिछले हफ़्ते भी हमने एक दिन देखा था जिसमें चार सौ पॉइंट ऊपर थे पिछले पिछले हफ्ते उससे पिछले हफ्ते एक्सपायरी वाले दिन पिछले हफ्ते फ्राइडे को हमने चार सौ पॉइंट वाला दिन देखा था तो हमको सौ पॉइंट के मुँह थोड़े छोटे लगते हैं हमको ये लगता है कि मार्केट शायद अटक रहा है मार्केट रोज थोड़ा चार सौ पॉइंट भाग सकता है अगर रोज़ चार सौ पॉइंट भागने लगा फिर तो ये मार्केट पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा तो लेकिन हाँ ये आपका पॉइंट सही है आई थिंक थोड़ा एल्गो ट्रेडर्स बुक करते हैं हुँ, हुँ. थोड़ा सा मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है जब आप इतने हाई पे पहुँचते हो जब आप स्पेशली जब आप एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट इवन नंबर कोई भी हो चौबीस हज़ार पच्चीस हजार छब्बीस हज़ार उसके पास पहुँचते हैं तो एक बार के लिए थोड़ा सा कंजेशन कंसोलिडेशन आपको मिलता है हुँ. वो दो तरीके से निकलता है या तो गैप से निकल जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम बंद हो जाए पच्चीस नौ सौ सत्तर नौ सौ अस्सी पर हुँ. फिर कल आपको एक गैप मिल जाए डेढ़ सौ पॉइंट का वो उसको निकाल दें या दूसरा तरीका होता है कि जब हम कहें कि चलो ठीक है यहाँ पे तो कुछ रुकावट आ रही है मार्केट एक बार के लिए पच्चीस आठ की तरफ डिप हो जाए जब ये लगने लगे करेक्शन आ रही है तब मार्केट एकदम से फिर भागता है तो दो तरीके हो सकते हैं जो भी है इवेंचुअली वो टू सेवन टू सेवन टू आना है वो जो एक मैंने व्यू लिया हुआ है कि अब की बार टू सेवन टू सेवन टू और वो जो व्यू था वो आई थिंक काफ़ी टाइम से है करीब आई थिंक एक डेढ़ महीने पहले उस पर निफ्टी पर वो व्यू बना था कि अब सत्ताईस हज़ार दो सौ बहत्तर उसकी तरफ हम निफ्टी पर बढ़ रहे हैं तो ये एक क्लियर कट यहाँ पर आ, अप्रोच रहेगी